सव पंडित सव सिद्धे धूम चल मणो भवम गदिम पत्ते को छामी समय पाहुड़ मणमो सत के बिली भड़िदम। जब वृंदावन सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की इस वंदनीय महावीर भगवान ने की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सगर जी महामुनि राज की आचार्य विशुद्ध सगर जी महामुनि राज की महानुभाव समयसार ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है, जिसमें समयसार गाथा नंबर 217 की व्याख्या यहाँ पर हम जान रहे हैं। हास्य भी कसाय है, हास्य कसाय के भोग के लिए साधन जुटाता है व्यक्ति, जिसे तू प्रसन्नता बोलता है आगम उसे कसाय बोलता है। आह्लाद जो है चेहरे पर गंभीरता में टपकता है, आनंद जो है किसी भी इंद्रिय के आनंद को ले लीजिए, किसी भी इंद्रिय के आनंद में डूबता है, उसमें शांत हो जाता है। आप लोग अनुभूत लोग फिर भी मुझसे पूछते हो ये पुरुष किसी भी इंद्रिय के विषय में डूबता है तो गंभीर हो जाता है, सर्वांग में रोमांच हो रहा है। जब इंद्रिय विषय में आनंदित होने पर गंभीरता आती है तो आत्मा के सुख में आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। चंचलता कहां, वाहन चालक जब चला रहा हो उस समय उसका चेहरा देखना क्या गंभीर दिखता है, निर्णय कौन ले रहा है, मस्तिष्क ले रहा है, निर्णय का संचालन कौन कर रहा है, जीवात्मा कर रहा है। पर की नाड़ी निहारने पर सब अनुभूति तू ले रहा है कि इस तरह कौन कौन से रोग हैं, वैद्य सब समझ रहा है, वैद्य पर के रोग निहार रहा है, यहां तक ही नहीं भोग भी देख रहा है। क्या समझो मैं क्या कह रहा हूं, भोग ना भोगता होता तो रोग हुए कैसे, उसकी नाड़ी में सब दिख रहा है। वैद्य जब नाड़ी पकड़ता है उसे दिख जाता है, पित्त भड़क रहा है कि कफ की, पित्त की बात भड़क रहा है, पित्त भड़क रहा है या कफ ज्यादा हो गया है, वो नाड़ी देखकर समझ लेता है वैद्य की या कि इसने कफज वस्तु का सेवन किया है, जो कफ की वृद्धि करता है वो समझ जाता है कि पित्तज वस्तु का सेवन किया है या वातज वस्तु का सेवन किया है जो बात पित्त कफ को बढ़ाने वाला है। बिना नौकर्म जाते हैं और कर्म नौकर्म जो आते हैं भाव कर्म बिगड़े बिना इनका संयोग बनता नहीं है। नाड़ी निहार रहा है, पर की नाड़ी से पर के भीतर का बोध हो सकता है, उस हाथ को अपनी निज नाड़ी पर क्यों नहीं रखता, निज नाड़ी पर क्यों नहीं रखता, अपने भीतर का बोध क्यों नहीं कर रहा है। वही आत्मा अंतरात्मा परमात्मा देखते ही कौन सी नाड़ी चल रही है, अपने आप के परिणामों को निहार कर देखो कि तुम्हारी कौन सी नाड़ी चल रही है, निहार लीजिए। श्रद्धा गुण कहाँ जा रहा है समझ लो, मेरी नाड़ी कहाँ जा रही है। नौ कर्मों का भोग ये जीव बाहर से करता है, कर्मों का भोग कुछ भीतर से करता है, भाव कर्मों का भोग भीतर से ही करता है। विद्वानों नींद आ रही है, गोमटसार कर्म कांड में कहा गया है कि भैंस का दूध पीता होगा, दही चावल खाता होगा, दही चावल खाएगा तो नींद तो सताएगी ही, निद्रा कर्म है,
उस निद्रा कर्म का नौ कर्म भैंस का दूध दही चावल है। जो भी मादक द्रव्य है सब तेरे लिए नौ कर्म है। औषधि कम खाना चाहिए, खाना कम खाओ। जो खाना कम खाता है उसे औषधि कम खाना चाहिए, जो खाना ज्यादा खाता है उसे औषधियों का सेवन भी ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि खाना ही भोजन ही औषधि है। आप उस भोजन को औषधि समझ अगर खाएं तो वह भोजन ही आपको औषधि का काम करेगा। तो जरा सी आंख दर्द की और बस औषधि खाने चले गए, जरा सा सर में दर्द हुआ चले गए औषधि खाने, थोड़ा सा नाक में से पानी गिरा पहुंच गए गोली खाने के लिए। औषधि में खाइए, ये पहले ये पकड़ो आंखें दर्द कब से हुई है। आंख दर्द हुई और दवाई खाना शुरू कर दिया, पहले ये समझो कि आंखों में दर्द हुआ कब से है। आज हुई है, 3 दिन पहले भूत में चले जाओ। आज आंखें दर्द हुई है, 3 दिन पहले भूत में चले जाओ कि भोजन में क्या क्या किया था। 3 दिन पहले भोजन में आपने इमली की खटाई खाई थी, लाल मिर्च खाई थी, फुलकियां खाई थी, पुचका बंगाल में पुचका बोलते हैं, पुचका खाए थे। आंखें दर्द क्यों नहीं हो करेंगी? जब ऐसा खाएगा तो आंखें दर्द तो करेंगी। दवाई मत खाइए, इनको छोड़ दीजिए दवाई खाने। जब तू अपथ्य सेवन छोड़ नहीं रहा है, प्रारंभ कर दी तो रोग ठीक होगा क्या? पहले अपथ्य का सेवन तो बंद कर, उसके बाद वो दवाई औषधि काम करेगी। भैया समझो, विषय भोग का अपथ्य छोड़ नहीं रहा है और आत्मानंद की अनुमति लेने बैठ गया, तो कितनी ही आंख खोल आंख बंद कर अनुमति होने वाली नहीं है। तू अपथ्य का सेवन छोड़, अपथ्य सेवन त्याग किए बिना, पथ्य स्वीकार किए बिना औषधि को नष्ट करना, औषधि को दोष लगाना है। औषधि काम नहीं कर रही, औषधि काम नहीं कर रही। पहले अपथ्य का सेवन बंद कर और पथ्य का सेवन प्रारंभ कर, औषधि अपने आप काम करेगी। पर तो निर्दोष नहीं हो पाएगा। जो जीव वितरागी दबोधन की मुद्रा को धारण करके भी निज आत्मा की विषय कसाय अपथ्य से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वितराग मुद्रा को धारण कर लिया और विषय कसाय रूप अपथ्य से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। किसी ने कहा मुनि नरक चला गया, तो मुनि मुद्रा को बदनाम कर देगा। मुनि नरक नहीं जाता है, मुनि नरक है। वैद्य से मेरा कहना है कि आपके पास कोई उपचार कराने आए तो दवाई पहले मत देना, उस ज्ञानी से पूछना तुमने सेवन क्या किया है। पहले दूसरा प्रश्न करना, जो मैं औषधि दूंगा उसका सेवन करेगा क्या। तीसरा प्रश्न करना, मेरे ऊपर तेरी श्रद्धा है क्या। पहले ये प्रश्न कर लेना वैद्य को, मरीज से ये प्रश्न करना चाहिए। तीन प्रश्न करना, और तीन प्रश्न में से एक भी करने में असमर्थ हो तो यदि अपना क्लिनिक बदनाम ना करना हो तो उसके हाथ जोड़ लेना कि तुम जाओ तुम्हारा उपचार हम कर पाएंगे। क्यों? अपथ्य सेवन बंद नहीं, पर चार जगह कहेगा उनकी औषधि खाता हूं, कुछ भी असर नहीं किया। मैं तो ऐसा ही करूं, कोई भी त्यागी आता है मैं पूछता हूं तो ऐसा ऐसा कर पाएगा, तो यहां ठहर अन्यथा यहां से जा। क्यों? तेरी खोटी परिणति से मोक्ष मार्ग अपमानित हो जाएगा, इसलिए तू यहां से भाग जा। कर सकता है तो यहां ठहरना कितना भोग होगा। कुंद कुंद स्वामी के चिंतारी आप द्रव्यानियों की दृष्टि पर दृष्टि से काम नहीं बनेगा। दृष्टि दे रहे हैं वस्तु की अनुभूति के लिए और दृष्टि मात्र प्राप्त किए, अनुभूति के सही किए,
तो अनुभूति होगी कैसे? ब्रह्मचारियों से भी कहना है, कदाचित तुम मुनिराज बन गए और दृष्टि में ये रहा कि लोगों को जोड़ने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। भैया तत्व का उपदेश करना, परंतु जो कसाय हैं उसमें उलझा करके और तुम जिसकी अधिकारी हो, भेष तेरा चारित्र मोहिनी को नाश करने वाला है। यदि तू चारित्र मोहिनी को प्रदान कर रहा है तो भैया इंदिरा गांधी का जैसा अंगरक्षक था वैसे कहलाएगा। समझ गए? आप मेरे पास मात्र आत्मरक्षा के लिए आए हो। मुनिराज ऐसा उपाय बता दो कर्म शत्रु मेरे हृदय में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए आप मेरे पास आए हो। और भेष मुनि का बना, आपको दिगंबर भेष पर पूर्ण विश्वास है, मैं जो कहूंगा स्वीकार कर रहे हो। आप मोक्ष मार्ग में स्थित रक्षक के समान, और कहीं आपके इनको हंसी मजाक में लगा लिया है तो यूं कहना चाहिए, गेट पर होकर के भी अपने शत्रुओं को प्रवेश दिलाया है। कसा है, हास्य भी एक कसा है, जो दूसरों पर हंस रहा है, दूसरों के लिए हंस रहा है, वो कसाय है। कसाय भी सत्ता है जो दूसरों को हंस रहा है, और तेरा घात वो कसा ही करा रही है। दिगंबर मुद्रा गंभीर है, बोले माहौल बदले, माहौल बदलने करने के लिए तुम मुनि बने हो। भगवान की मुद्रा में भंड वचन, कसाय वचन, आगम की भाषा में सुनिए सावध वचन, कर्कश वचन, ग्राम प्रसून वचन, तस्कर वचन, अभ्रम वचन, संपूर्ण वचन, ये भंड वचन है। सावध वचन से तात्पर्य क्या हुआ? तू मर जाता। सावध का अर्थ होता है हिंसा, तेरा ऐसा हो जाता। ऐसे मुनिराज नहीं बोल सकते। गर्हित वचन, दूसरे की निंदा के वचन, ये पुरुषार्थ से उपाय से बोल रहा हूं, दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देना, ऐसे मर्म भेदी वचन भांड वचन है। दो मित्र प्रेम से रहते थे, भंडा फोड़ करा दिया, देश में राष्ट्र में विश्व में शांति का वातावरण हो, समाज में धर्मात्मा में ऐसे वचन का प्रयोग कर दिया, चारों ओर हा हा हा। पैशून्य वचन, पैशून्य वचन का तात्पर्य चुगली यानी उत्सुर जाति के देव बनने के अवसर। थोड़ा थोड़ा पुण्य किया तथा में और यहां वहां के परिणाम करके जीव देव बन के नरकों में जाके वही आदत लेकर जाता है तो देव दुर्गति कहलाती है। जो आदत यहाँ थी वो आदत वहां लेके जाता है तो उसको देव दुर्गति के अंतर्गत रखा गया है। ज्ञान का छयोसम भी नष्ट हो रहा था, दर्शन का छयोसम भी नष्ट हो रहा था, और वीरांतर कर्म का छयोसम भी नष्ट हो रहा था। ऐसे ऐसे जीव मिले हैं जो हंसते हंसते पेट दर्द करके स्वयं का हृदय घात हो गया, अधिक खुशी से ज्यादा खुशी हुई। हास्य कसा है, अरति का भोग है, ये अच्छा नहीं है। पाटा सुंदर नहीं लगा मेरे लिए, मैं तो योगी की दृष्टि से कदर कर रहा हूं। अपने अपने में लगा लेना, मंडप अच्छा नहीं बना, मंच अच्छा नहीं बना, अरति में रति क्यों ले रहा है, क्यों ले रहे हो? अरति में रति क्यों? ये प्रवेश ठीक नहीं है स्वामी। आत्म प्रदेश ही ठीक है, बाहर के प्रदेश तो जैसे हैं वैसे हैं। इन प्रदेशों को बदलने का प्रयास मत करो। निज के प्रदेश को भवातीत होना है तो
15-20 दिन से मेरे आहार अच्छे नहीं हुए थे, आज तो आनंद आ गया। भैया तुझे पता नहीं है, तेरे पिताजी भी ऐसे ही आहार कराते थे। भूल गया क्या? तेरे पिताजी भी ऐसे ही आहार कराते थे। वजीर सुन रहा, अरे मुनिराज तो मेरे पिताजी को भी जानते। वह गदगद हो गया और तुम्हारा भक्त बन गया। हे स्वामी तुम ये क्या कर रहे हो? पूर्व स्तुति, उत्तर स्तुति, आहार के पहले दाता की स्तुति करना, आहार के बाद दाता की, ये सब मुनि आहार के दूषण है। मूलाचार में सबसे बड़ा अधिकार है, उसका नाम है पिंड शुद्धि अधिकार। इसलिए श्रावक को आप तो तन्मयता से सुनो और आनंद लूटो। रति भाव का आनंद ले रहा है। सुनो भाई, वस्तु का भोग अलग है और रति का भोग अलग है। वस्तु भोग रहा वो तो भोग ही रहा है, लेकिन भोगने के बाद फिर क्या भोग रहा है? आप किसी सेठ के यहाँ भोजन करके आए और भोजन करने के उपरांत आप कक्ष वहां भैया जी आ गए, आज तो सेठ ने बहुत अच्छा भोजन कराया। वो तो गया, उसका परिणाम दूसरा हो चुका है, वो गया उसका परिणाम भी दूसरा हो चुका है, लेकिन फिर भी तेरा रति भाव वही चल रहा है, आश्रव भाव जारी है। वो सेठ तो छोड़कर चला गया पर वो अपने काम में लग गया, लेकिन यहाँ आश्रव भाव जारी है। आत्म भाव आश्रव भाव पर यदि विवेक ज्ञान नहीं है तो संसार से मुक्त हो ही नहीं सकता। भोग भोग का भी भोग कर रहा है, इसका मतलब भोगी हुई भोग को स्मरण करना। अच्छा अच्छा पकवान आया है, उस पकवान की कथा को गाया जा रहा है। भोगने के बाद भोग का भी भोग कर रहा है। जो पेट में पहुंचकर मल बन चुका है, स्वयं देख नहीं सकता है, नाक भौंय सिकुड़ेगा, फिर भी उसका भोग कर रहा है। जो भोग चुका है उसके भोगे हुए को भोग कर रहा है। आचल भगवान कुंद कुंद स्वामी, पांच इंद्री मन के 28 विषयों से शून्य, निज विमुक्त शक्ति से आत्मा जो है, त्रैकालिक अपने स्वभाव से मंडित है, बस हुआ अब प्राणी उस सत्य को समझ नहीं सका। जो राग है वो राग ही पौद्गलिक है, जबकि सिद्धांत दृष्टि से भाव कसाय है। राग देश भाव कसाय है। द्रव्य कर्म के संबंध के बिना आत्मा में राग दशा उद्घाटित होती नहीं। द्रव्य कर्म के निमित्त रागादि भाव हो रहे हैं और जो रागादि भाव आत्मा में चल रहे हैं, जो जड़ कर्मों के नियोग के कारण है, जड़ कर्म का जो बंध हो रहा है आत्मा के राग भाव के कारण है। सुनो भैया, उपचरित असद्भूत व्यवहार में से कर्म भी चेतन स्वभावी है, जो आत्मा से लगा हुआ है। उपचरित असद्भूत व्यवहार न से आत्मा भी अचेतन स्वभावी है, क्योंकि वो जड़ के साथ लगी हुई है, जड़ और चेतन दोनों मिली हुई है। संश्लेष संबंध से युक्त होने से जब यूं कहा जाता है भैया, तुरंत जीव के परिणाम समझते हैं, मुझे बुलाया जा रहा है, जबकि प्रकाश शब्द पुद्गल की पर्याय है, जिसको इंगित किया जा रहा है, भी शरीर पुद्गल है, पर आत्मा का संबंध होने से उसे जीव कहा जाता है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पंच इंद्रिय जीव है जीव, जिनसे तेरी पहचान होती है, वह तू है क्या? स्वभाव दृष्टि से देख, आत्मा इंद्रियातीत है।
बृहस्पति दिखाई दे रही है, जो दिख रहा है वो पितगल पिंड है, जो दिख रहा है वो पितगल पिंड है, उसमें जो विराजा है वो जीव है। जैसे शरीर पितगल पिंड है और इसमें जो विराजा है वो जीव है, उस जीवत्व शक्ति के निमित्त से पुद्गल पिंड भूत वृद्धि को भी हम संरक्षित रखते हैं, संरक्षित करते हैं उसका, उसे भी जीव कहते हैं। हे ज्ञानी, अहिंसा का पालन शुद्ध जीव का ही होता, शुद्ध पुद्गल का नहीं होता। मरण जो है वह मिश्र धारा का है, शुद्ध धारा। मिश्र समझना, मिश्र अलग चीज है, शुद्ध पुद्गल का कुछ नहीं होता, शुद्ध जीव का कुछ नहीं होता। शुद्ध जीव कौन? सिद्ध भगवान। और पुद्गल कौन? पुद्गल कौन ये समझो, शुद्ध जीव मतलब सिद्ध भगवान, वो कर्मों से रहित है। और शुद्ध पुद्गल, पुद्गल प्रदेश परमाणु, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राज्य गमन करता है, वो शुद्ध पुद्गल परमाणु कहलाता है। तो यहाँ ये बताया कि अहिंसा का पालन शुद्ध जीव का नहीं होता और शुद्ध पुद्गल का नहीं होता। मरण जो है वह मिश्र धारा का है, जीवन जो है वो मिश्र धारा का है। जो कष्ट हुआ है देह के माध्यम से जीव को हुआ है, कष्ट हुआ किसको हुआ? देह के माध्यम से जीव को हुआ है। प्राणों का वियोग होता है इसलिए हिंसा, द्रव्य प्राणों का वियोग हुआ तो हिंसा है। चेतन प्राणों का कभी वियोग होता नहीं, जो भी संयम होता है, जो भी अहिंसा का पालन है वह दृष्टि से ही है। जीव का वध मत करो, विवेक से देखकर चलो, विवेक से प्रवृत्ति करो। ये कथन कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ये मिश्र धारा का ही कथन है। ध्यान दो, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि ये अवस्था है। ध्रुव चैतन्य में जब जीव लिखता है तब संपूर्ण इंद्रियों का विकल्प शून्य हो जाता है। कौन बधिक कौन बध्य, कौन घातक कौन घात्य, स्वभाव दृष्टि से पुद्गल का नाता नहीं। हिंसा किस बात की? स्वभाव दृष्टि से पुद्गल का नाश कभी होता नहीं, पुद्गल द्रव ही रहेगी, पर्याय विनष्ट जाएगी, पर्याय बदल जाएगी, लेकिन द्रव तो द्रव ही रहेगा, पुद्गल तो पुद्गल ही रहेगा। तो हिंसा किस बात की? वस्तु स्वभाव में प्रवेश कर विवेक नहीं रखा तो जीव अनर्थ कर देगा। पुद्गल का नाश होता नहीं, जीव का नाश होता नहीं, पुद्गल का नाश होती और जीव नाश होता नहीं। तो घात किसका? कौन घातक? हे जीव, ये व्याख्यान तेरी व्यवहार प्रणति का नहीं है, ये व्याख्यान तेरे स्वभाव लीनता का है। जो भी दया की व्याख्या है वो पर्याय दृष्टि से है, जो भी संयम की व्याख्या है वो पर्याय दृष्टि से है। भाव पर्याय यानी परिणामों की पर्याय, गुण पर्याय, व्यंजन पर्याय, द्रव्य गुण व्यंजन पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, मति श्रुत अवधि मना जीव द्रव्य की विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। और केवल ज्ञान, केवल दर्शन जीव द्रव्य की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है, जो उसके साथ ही रहती है। चरम शरीर से किंचित न्यून सिद्ध पर्याय जीव द्रव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। और नर नरकादि 84 लाख योनियां जीव द्रव की व्यवहार व्यंजन पर्याय है। ये संसार सत्य है, स्वभाव से असत्य है। हे जीव, एक योगी जब निज नाथ करता है उन निरंतर तपोधन के ऊपर कोई गंभीर उपसर्ग आ गया
उस उपसर्गी के काल में उनकी चिंतन की धारा क्या होती है, वो समय सार है। जिसे घात रहा है वो भी घात नहीं है, जिसे घातना चाह रहा है वो घाता जाता नहीं है। तो शरीर को विदीन कर रहा है वो परिणमन ही करेगा, नष्ट नहीं होगा। तो चैतन्य को कष्ट देना चाहता है, उसे मैं स्वीकार नहीं रहा हूं। वद्य शरीर का भोग है, संसार का रागादि अध्यवसाय भाव बंद है, शरीर में वेदना है, शरीर में पीड़ा है, फिर भी पीड़ित नहीं हो रहा। देह के भोग की दृष्टि से नाना क्लेश शरीर को प्राप्त हो रहे हैं, गलित कुष्ठ भी हो रहा है, पित्त आदि ज्वर भी हो रहा है, तप का प्रकोप भी हो रहा है। तब भी योगी कह रहा है ये भूत का उपभोग है। क्या है? ये भूत का उपभोग। वर्तमान में संकलेश है और भविष्य का अवध्य भाव है। पुनः सुनिए, भूत का उपभोग है, वर्तमान का उपभोग है, भूत का बंध यह वर्तमान का भोग है। वर्तमान के भोग में असंकलेश भाव है तो भविष्य का अवंध है। समझो, जो वर्तमान में हम भोग रहे हैं, जो भूत का फल ही तो है, जो भूत में हमने किया था उसका फल है। तो यदि उसका फल ही भोग रहे हैं और उसमें असंकलेश भाव है तो अवंध है, अब बंद नहीं हो रहा, और संकलेश भाव है तो बंद हो रहा है। असंकलेश भाव तो भविष्य का अवंध है, पर जो अज्ञानी भूत के बंध को वर्तमान में भोग रहा है, संयोग के भाव के साथ, संकलेशता के साथ, वो वर्तमान भविष्य का बंध का करता है और पुनः भोगता होगा। ये संसार की संतति का अंत नहीं है, निर्जरा पर हस्त काम नहीं है। निर्जरा सौ हस्त का कार्य है। ज्ञानी भोगते भोगते निर्जरा कर रहा है और अज्ञानी भोगते भोगते बंद कर रहा है। अज्ञानी पूर्व वद्य को स्व वस्तु मान के अनुभव कर रहा है और ज्ञानी पूर्व वद्य को उदय मानकर ज्ञाता दृष्टा भाव से निहार रहा है। अज्ञानी संकल्प से भोग रहा है, हर्ष भूत संकलेश विषाद भूत संकलेश, दुखित परिणाम भी संकलेश है और हर्षित परिणाम भी संकलेश है। जो विशुद्धि अंश है वे कसाय को इसमें नहीं देते हैं, वे साम्य भावभूत है, मध्यस्थ भाव है। कहते ना मध्यस्थ भाव हो जाना चाहिए, यदि कोई कुछ कर रहा है तो उसे मध्यस्थ भाव हो जाना चाहिए। मध्यस्थ भाव, उदासीन वृत्ति, उपेक्षा परिणति। यदि उपेक्षा नहीं सीख पाएगा तो जीव तेरे संयम में संकलेशता नियम से होगी। भैया आप समझो ना समझो, पर समझाने वाले को तो समझो, कौन समझा रहा है। यदि उपेक्षा साधु हृदय से पलायन कर गई तो संकलेशता नियम से स्थान जमाएगी। अपेक्षाएं उपेक्षाएं दिलाती, जो अपेक्षा की उपेक्षा करना जानता है वही सही में है। अपेक्षा उपेक्षा दिलाती है, अपेक्षाओं की उपेक्षा करना ने सीख लो, इसने सीख ले, पुण्य न्यून है तो अपेक्षा पूर्ण होगी नहीं। उपेक्षा देखने को मिलेगी तो संकलेश भाव बनेगा। आपने किसी से अपेक्षा रखी, अपेक्षा की आपकी उपेक्षा हो गई, आपकी बात उसने नहीं मानी, आपका कार्य उसने नहीं किया, तो निश्चित नियम से संकलेश भाव तो बनेगा।
संकलित भाव बनेगा, परिणाम संकलित हो जाएंगे। साधना में लीन होता है उस स्थान पर स्पर्श करो। जहां गरीबी नाम की वस्तु नहीं होती उस स्थान पर स्पर्श करो। जहां अमीरी नाम की कोई वस्तु नहीं होती स्थान पर स्पर्श करो। जहां दिगम्बरत नहीं होता उस स्थान पर स्पर्श करो। जहां श्वेतांबरत नहीं होता, देह वस्त्र बना नहीं होता, अवस्त्र बना नहीं, देह वस्त्र रहित दिगंबर नहीं है, देह वस्त्र सहित श्वेतांबर पीतांबर आदि अवस्था को प्राप्त हो रही है। ये बहुत स्थूल बातें हैं। मैं देहातीत पर विराजा हूं। देह के दिगंबरत्व के ध्यान से निर्वाण नहीं मिलेगा। निज के परिणामों को दिगंबर कर दीजिए। कपड़ों से रहित दिगंबर तो कई बार हो गए हो, पर दिगंबर का जो वस्त्र है उसे उतारने का प्रयास कीजिए। जब तक दिगंबरत्व का दिगंबर नहीं होगा तब तक त्याग का त्याग नहीं होगा। तब तक वो त्यागी उपेक्षा संयम नहीं आएगा। अभी उपेक्षा संयम दूर है। ओ आश्चर्य, एक अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया, महा अनर्थ हो गया। हुआ क्या मुनिराज, अब मैं क्या बताऊं? अकिंचन स्वरूप में लीन होने के लिए दिगंबर बना था, कांचित दृष्टि के लिए मैं दिगंबर बना था, एक धागे का राग भी मुझे पीड़ित कर रहा था इसलिए धागा छोड़ा था। पर धागे रहित देह मुझे भाने लगे, उसमें धागा नहीं था, वो मुझे भाने लगे। मेरा आकेंचन चला गया, निर्वस्त्र राग से भिन्न होने के लिए बना था, अब तो मुझे निर्वस्त्र शरीर ही सुंदर लगने लगा, उसके शरीर में लिप्त हो गया। मैं दिगंबर मुनि हूं। देखो मेरी फोटो कैसी अच्छी लगती है। अनर्थ हो गया। दिगंबरत्व इसलिए धारण किया था जो नाना प्रकार के जो वस्त्र हैं इनके रंगों में लिप्त ना हो, लेकिन जिस दिगंबर को तुमने स्वीकार किया है उस दिगंबर भेष में ही तुम लिप्त हो गए, यानी चला गया। जो वस्तु राग हटाने के लिए थी उस वस्तु में राग आ गया, या तूने इसलिए चौका लगाया था आज कि मेरे घर में साधु पधारेंगे और इतना द्रव्य मेरा छूटेगा और उस द्रव्य से मेरा ममत्व हटेगा तो मैं निर्लोभ वृत्ति को प्राप्त होऊंगा, इसलिए आपने चौका लगाकर साधु को आहार दिया और उसी में तेरे लिए दूसरा राग आ गया। अहो देखो आज मेरे घर में मुनिराज के आहार हुए। आनंद का दिन चारों ओर मेरा नाम फैल रहा है कि मेरे यहाँ आहार हुए। मुनिराज के ममत्व हटाने के लिए तो दान किया था, वो दान द्रव्य का तो दे दिया, पर जिसका दान देना चाहिए था उस मान का तो दान दिया ही नहीं। हाय हाय, ये तो अनर्थ हो गया। द्रव्य भी गया और द्रव्य दृष्टि भी, द्रव्य भी गया और द्रव्य दृष्टि भी गई। साधु नहीं आया था, तब तक दिखता था कि साधु आ जाए, मुनिराज आ जाए, पर साधु आ गया तो साधु भी गया, द्रव्य भी गया और द्रव्य दृष्टि भी गई। जो जीव कह रहा है वात्सल्य का लोप हो गया। अरे भैया वात्सल्य का लोप हुआ कहाँ है? जो वीतराग की लीनता थी वही तो वात्सल्य का धर्म था। व्यवहार वात्सल्य का उद्देश्य क्या था? धर्म धर्मात्मा को देख करके गदगद भाव आना, इसका नाम वात्सल्य है। पर जो गदगद भाव आना चाहिए था वह गदगद भाव की जगह मान का गदगद आ गया, आत्म प्रसाद का गदगद चला गया। बड़ी सूक्ष्म धारा है, बिना मान के वात्सल्य में आना चाहिए, बिना मान के वात्सल्य में आना चाहिए, है आना ही चाहिए। वात्सल्य में अपेत केतवा भाव होता है,
बसल में उपेक्षा भाव होता है। जैसे गाय बछड़े को दूध तो पिलाती है पर उससे कोई आकांक्षा नहीं रखती, ये हमें खिलाएगा ये अपेक्षा नहीं रखती कि ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे खिलाएगा कुछ, ऐसी प्रीति पूज्यों के गुणों में चल रही है। वो तो प्रशंसा की दृष्टि आ गई परंतु पूज्य के गुणों के जगह निज की पर्याय की प्रशंसा की दृष्टि आ गई तो वात्सल्य गया, पर्याय प्रदान हो गई। ठीक है, यदि स्वयं की पर्याय का राग उमड़ गया तो भैया बीतरागी भगवान का मंदिर बनाने के बाद भी प्रकट नहीं कर पाया जी। लोक में वह यही कह रहा है कि मैंने बीतरागी का मंदिर बनाया है, परंतु जब तक चार लोग उसकी प्रशंसा नहीं कर दें तब तक छेद नहीं पड़ रहा है। वो बीतरागी भगवान के मंदिर का राग नहीं है, उसको उस बीतराग भगवान के मंदिर के साथ जो मान कसाय में जो पर्याय के नाम का राग था उसे वात्सल्य संज्ञा नहीं दे पाएंगे। वात्सल्य तो वो है जो निकांचित भाव से आराधना कर रहा है, इसलिए भैया वात्सल्य में कोई अपेक्षा नहीं रहती है। वात्सल्य में कोई ये भाव नहीं आता है कि ये मेरे लिए भी कुछ करेगा, वास्तव में कभी ये भाव लिया कि मैंने इसके लिए कुछ किया है तो ये भी लिए कुछ करेगा। रत्न ग्रंथ श्राव चार ग्रंथ में कहते हैं स्वायुत्थान प्रतिसद्भाव सनाता पेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यता योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। जो धर्मात्मा है, धर्मात्मा का जो स्वयं का समूह है उनको देखकर सद्भाव प्रकट होना, मायाचारी से रहित होकर दुखी धर्मात्मा को देख करके यूं कहना आप भयभीत मत हो हम आपके हैं, यथा योग्य जो जीव जैसा है वैसा उसके लिए स्थान देना। उसके लिए समत भद्र स्वामी वात्सल्य अंग कह रहे हैं, पर कुंद कुंद स्वामी से पूछोगे तो भी कहेंगे ये तो व्यवहार का वात्सल्य है, द्वैत भूत। अद्वैत वात्सल्य क्या होता है, गुणों के लिए ही तो वात्सल्य है, सभी जीवों के प्रति वात्सल्य है। क्यों? धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य है क्योंकि उसके अंदर धर्म है। ना धर्मो धार्मिकैर विना, धर्मात्मा के प्रति जो वात्सल्य वो धर्मात्मा के कारण है, वो धर्म से सहित है, वो धर्म तेरे अंदर है कि नहीं। आपके अंदर धर्म है तो भैया निज धर्म के प्रति आनंदित होना यह भी परम वात्सल्य है। जो भी विषय चल रहा है आगे तपोधन की प्रधानता से है, श्रावक की गौणता से है। भैया वस्त्रों का राग छोड़ दो, समझो वासनाओं का राग छोड़, जो कष्ट तुझे हो रहे हैं उनका राग तू छोड़। श्रावक से कहा जा रहा है भैया निज देह के राग में जितना बंद कर रहा सो कर ही रहा है और पर देहों के राग में तू घोर बंद कर रहा है। अपने शरीर को देखकर तो बंद हो ही रहा है, दूसरे के शरीर को देखकर भी तू घोर कर रहा है। भैया बेटे के कष्ट को मिटाने पुरुषार्थ की पर व्यवहार ये नहीं कह रहा कि बेटे के कष्ट को देखकर रोने लग जाइए। तेरे मित्र के सिर में दर्द हुआ तुझे उसका सिर दबा देना चाहिए और दबा देना चाहिए, दवाई भी दे देना चाहिए कि रोना चाहिए, उसके दर्द को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसके दर्द को देखकर खुद रोने बैठ जाना चाहिए। अज्ञानी लोग हैं जो मित्र और संतान के दर्द को देखकर विलखते हैं, उन अज्ञानियों से कौन कहे अरे वो तो कष्ट में था, वो तो कष्ट में था ही, तू रोकर और कष्ट दे रहा है। इसका इलाज रोना नहीं है, उसको दबा दो और दबा दो, उसका सर दबा दो और दबा दो, बस अज्ञानी रुदन करता है। ये अज्ञानी उसको तो आशा का उदय चल ही रहा है।
पर तू असाता को क्यों बुला रहा है? तत्वज्ञ जीव अपने प्रति जितना वैरागी होता है उतना पर के प्रति वैरागी होता है। यह वात्सल्य का अभाव मत कहना, परम वात्सल्य है। उपचार तो कर देना लेकिन बिलखना नहीं। और अज्ञानी जी बिलखने लगता है, वो दिखाना चाहता है कि देखो कितनी संवेदना है। अरे भाई संवेदना असुरबात नहीं है, संवेदना सहज शुद्ध भाव से कष्ट को दूर कर देना है। क्या असाता को निमंत्रण देने का नाम संवेदना है? अभी धर्म समझना पड़ेगा। ग्रह भी समय दृष्टि होगा जब अनंतानंदी कसाय को छोड़ेगा। आज से ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कुछ लोग तो इसलिए चेहरा बनाते आपके द्वारे जाके कि कोई क्या कहेगा कि हमारे घर में ऐसा हो गया, कोई चला गया। लगी नहीं रहा बेड़ो भक्ति विहीनो और महिलाणम रोदनो गणेश चाको वीरग विण एदे दो वारिया भणिता। रहन सार में कहा है अंतरंग में भक्ति तो किंचित मात्र नहीं, और लाखों बार हाथ जोड़ जोड़ करके रहा है जी। जैसे महिलाओं का रोना, जैसे महिलाओं का रोना, भैया इनका कोई नाम ना बने पंडित जी का, कोई नाम काम ना बने तो इनके पास सबसे बड़ा ब्रह्म अस्त्र कोई है महिला के पास तो है रोना। रोने बैठ जाओ, आपकी खुशी को देखकर भी रो पड़े, आपके दुख को देखकर भी रो पड़े। क्या मालूम ये रो रहे कि माया जाल चल रहा है। पंडित जी छायक सम्यक तो बहुत दूर है, उपसम छयोसम भी हो जाए। अब दो धाराएं हो सकती हैं उसमें, ये भी हो रहा है। कुटती पिटती होगी उससे, सो भले चले गए इसलिए रो रहे, कुटती पिटती थी सो भले चले गए, अच्छी रही, अच्छी रही। देखो अंदर के विषय की दृष्टि अन्य होगी तो सोगी, हमारा टेंट कटा। ओहो ये धाराएं अनेक है। जब न्याय गद्दी पर बैठोगे तब धाराएं देखनी पड़ेंगी। जैसे न्यायालय में ज्ञान की धारा चलती है, ऐसे जीव के शिष्यों को परिणामों की धाराएं देख करके दंड देना पड़ता है। नहीं तो कब के शिष्य भाग जाएंगे, कब के तुम गुरु मिट जाओगे। प्रायश्चित जो है कोई खेल तमाशा नहीं है, न लड्डू पेड़ा है कि ऐसी बट रहा है। कितना देना, किसको देना, ये शिष्य के मन में प्रश्न नहीं आना चाहिए। इतना ही दिया अथवा इतना बड़ा दिया। वैद्य हो मरीज हो तो ये मत कहो नाश्ता के लिए दवाई क्यों नहीं दी। औषधि का नाश्ता नहीं होता और ना कभी औषधि से पेट भराया जाता है। काढ़ा बनाया है नहीं होता है, काढ़ा जूस नहीं होता है। काढ़े को काढ़ा जूस ना दिया जाता है, जूस बना के नहीं दिया जाता है। एक लोटा भर के तुमने काढ़ा बना के दे दिया, वो औषधि औषधि है, औषधि से पेट नहीं भराया जाता। आप इसका कल्प करिए। आम के कल्प से तात्पर्य मात्र आम खिलाना, दूसरी वस्तु नहीं देना, उससे ही पेट भरिए, उससे स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। परंतु सुनकर आप घर में जरूर जाकर ऐसा मत करना, कौन से रोग के लिए आम का कल्प करना ये तो मालूम हो ना। तत्र कल्प कीजिए, मट्ठा एक प्रकार का नहीं होता है, ये मायाचारी का मट्ठा होता है। क्या आपने माया सुना, सादा दही रखा है उसमें चम्मच घुमा दी, बोले मट्ठा इसका नाम है, ये मायाचारी का मट्ठा। अरे दही का त्याग है, वो मट्ठा कैसे खाएगा। मट्ठे का तात्पर्य होता है जिससे मक्खन गाल चुका है, वो छाछ कुछ उसमें से निकाला है। नहीं आपने वो क्यों गरिष्ठ बना रखा है। एक बार होना चाहिए, एक चम्मच दही 12 चम्मच पानी, एक बार एक चम्मच दही
12 चम्मच पानी तब बनेगा वो। आयुर्वेद शास्त्र में 8 प्रकार के मट्ठे का वर्णन है। त्याग नहीं करना अच्छी बात है, मांसाहारी तो नहीं हो पाई, और त्याग करना ही अच्छी बात है, मांसाहारी मत करना। जिसका दूध वो दही ले सकता है, जिसका दही का त्याग है वो दूध ले सकता है, वह घी खा सकता है, जिसका घी दूध दही का त्याग है वो मट्ठा पी सकता है, पर जिसका गौरस का त्याग है वह कुछ नहीं खा सकता। दूध का त्याग है, मावा रसगुल्ला छेना खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। ये सब मायाचारी धर्म है। मैंने दूध का त्याग किया, छेना का नहीं किया। दूध का त्याग है, मावे जलेबी नहीं ले सकता। इसलिए दूध से दही बनने के बाद दूध नहीं बन सकता, लेकिन मावा बनने के बाद दूध बन जाता है। पयोम बोम्बु पाथोरना सलिलम जलम सरम्बनम कुसीरम तोयम जीवन मर्स विषम नाम अलम मेघान कुछ ग्रास के उपरांत प्रकृति के अनुसार समय पर पानी का पान करता वो अमृतभूत होता। जो पुरुष पानी को प्रारंभ में बहुत ज्यादा पी लेता है उसकी जठरांगनी मंद पड़ जाती है। जो पुरुष पानी को भोजन के अंत में बहुत पीता है उसके कफ की वृद्धि होती है। जो पुरुष पानी को अधिक पीता है उसका पेट फूलता है, उनके लिए पानी विष बनता है। जो पुरुष दौड़ते दौड़ते पानी पी लेता है उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि विष के समान है। काम सेवन कर रहा है उसके लिए विष के समान है। महानुभाव, आयुर्वेदिक ग्रंथ का भी अध्ययन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हमें सब इसका अध्ययन होना चाहिए। बात क्या लेना, कितना लेना, इसके लिए स्वास्थ्यकारी है या नहीं है, इन सब का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम निर्दोष चर्या का पालन कर पाएंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। इसके आगे और मूलाचार से संबंधित आपके बारे में जानकारी इस आगे करेंगे। बात आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।